हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है बेटा, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें बेटे बेसिकली हम जो फ्यू इंपॉर्टेंट बेसिक हमारे पैरामीटर्स है इन पे पहले ज्यादा फोकस करेंगे। दैट व्हाट डू वी मीन बाय ऑसिलेशन, व्हाट डू वी मीन बाय वाइब्रेशन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड ऑल दैट। सो इन फोकस ऑन द टर्म ऑसिलेशन क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय ऑसिलेशन, और उसके बाद वाइब्रेशन क्या है, एंड आफ्टर दैट व्हाट डू वी मीन बाय टाइम पीरियड, एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक मोशन, और व्हाट आर द पीरियोडिक फंक्शंस रादर। तो आइए बेटे इनके बारे में वन बाय वन, ये हमारा बेसिक है चैप्टर का, बैकग्राउंड है, इनके बारे में वन बाय वन जरा बात करके देखिए। ऑसिलेशंस हमारा चैप्टर है, व्हाट डू वी मीन बाय द ऑसिलेशन। बेटे जब कोई भी बॉडी जो है बेटा किसी भी मीन पोजीशन के राउंड अबाउट टू एंड फ्रो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करती है, वी से दैट कि वो जो मोशन है वो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो है। एक इसी के साथ रिलेटेड बड़ी प्रोमिनेंट टर्म है बेटा, पीरियोडिक मोशन। आइए इवन मोर बेसिक टर्म हमारा जो है पीरियोडिक मोशन, यहां से एक बार बिगनिंग करें। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब कहते हैं कि वो पीरियोडिक मोशन पोजेस कर रहा है अगर वो अपना जो मोशन है किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बेटे रिपीट करता रहता है। किसी भी केस में, मे बी हम अपने अर्थ का एग्जांपल ले लें, अर्थ सन के राउंड अबाउट जो है ये सर्कुलर ट्रैक में ऑर्बिट में घूम रहा है, और इसको 365.25 डेज का टाइम जो है ये एक पूरे का पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने में लगता है। वी से दैट कि इन दिस केस अर्थ एक साल के टाइम पीरियड के बाद एक पर्टिकुलर जो टर्न है अराउंड द सन वो कंप्लीट कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से मून 27.3 डेज में अर्थ के राउंड अबाउट एक चक्कर काट लेता है। तो वी विल से दैट कि दैट इज आल्सो पोजेसिंग पीरियोडिक मोशन। आपने हेलीज कॉमेंट सुना होगा, 76 ईयर्स के बाद वो अपियर होता है, दैट इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। एंड फर्दर मोर बेटे अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनके मूवमेंट की बात करें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो सारे के सारे बेटे जो है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन बिकॉज रिपीट करते रहते हैं, वी से दैट कि दे ऑल पोजेस पीरियोडिक मोशन। सो जब भी आप पीरियोडिक मोशन की बात करें, दो टर्म्स आपकी पीरियोडिक मोशन में इन्वॉल्व हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करना। सो पीरियोडिक मोशन जो है डियर चिल्ड्रन, इट मे बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज रिपीटेड, विच इज रिपीटेड आफ्टर आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बिटवीन इंटरवल ऑफ टाइम सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द
सन. सेकेंडली आप मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ भी कह सकते हो. इसको देखिए 365.25 डेज का टाइम लगता है. ये टाइम पीरियड है. इस टाइम पीरियड के बाद आपका अर्थ अपना मोशन रिपीट करता है और इसीलिए हम इसको बेटे पीरियोडिक मोशन है ये कह देते हैं, बिकॉज ये इस फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता रहता है. मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. मून जो है ये डियर चिल्ड्रन 27.3 डेज के बाद एक पूरा चक्कर अर्थ के राउंड अबाउट कंप्लीट कर लेता है. सो इन दिस वे बेटा दिस इज आल्सो द केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन. इसके बाद आप हेलेस कॉमेट भी लिख सकते हो बेटा. इट इज एन अदर एग्जांपल. हेलेस कॉमेट ये 76 इयर्स का टाइम जो है इस टाइम के बाद फिर से देखने को मिलता है, अपीयर होता है. सो इन दिस वे इट इज जस्ट एन अदर एग्जांपल ऑफ योर पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के बाद इसके साथ ही मिलता जुलता एक सेकंड टाइप का मोशन है हमारे ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज बेटे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन. ऑसिलेटरी या कई बार आप इसको वाइब्रेटरी मोशन जो है ये भी बच्चों कह देते हो. इस मोशन में पीरियोडिसिटी का एलिमेंट तो बेटे रहता ही रहता है, लेकिन इन एडिशन टू दैट ये मोशन जो है इट इज ए टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन. बेटे इमेजिन करिएगा ये आपके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पोजीशन है. इस फिक्स्ड पोजीशन के राउंड अबाउट आपने ये फिक्स डिस्टेंस पे कोई मार्किंग कर रखी है. अगर आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को इस फिक्स पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें ताकि ये यहाँ तक चला जाए, इसके बाद वापस ये यहाँ पे आ जाता है, ओवरशूट करके वापस इस तरीके से आ जाता है. इन सिंपल वर्ड्स बेटा आई कैन से दैट कि ये मीन आपका पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है या सेंटर है कह लीजिए. इससे इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ऐसे ऐसे जो मोशन कोई भी पार्टिकल प्रेस्क्राइब करेगा दैट वी विल बी कॉलिंग एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. इसमें दो चीजें हैं, एक तो टाइम, जैसे इधर टाइम पीरियड हमारा फिक्स था, इसमें भी टाइम पीरियड रहेगा. एक खास टाइम पीरियड के बाद ये अपना मोशन रिपीट करता जाएगा. सेकेंडली ये इस सेंट्रल पॉइंट पे राउंड अबाउट ही मूव करेगा. इसमें हम वो नहीं कहते कि ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है या ऑल दैट. तो इन दिस केस बेटे इसको डिफाइन करना पड़े अगर हमें ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को बेटा, इट इज डिफाइंड एज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ an object about some fixed point. So ये जो fixed point आपने कहा है ये वाला, इसको बेटे आप mean position जो है ये कह देते हैं. यहां पर ये mean position है और यहां पर ये आपका mean position है. ये दोनों mean positions हैं आपकी. एंड फर्दर मोर ये वाला पोजीशन जहां तक ये आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन. सो आपका जो ऑब्जेक्ट है मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, देन बैक टू द मीन पोजीशन, इनर्शिया की वजह से ओवरशूट करेगा, अगेन इट विल बी मूविंग इन दिस वे. तो ये जो टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन आपका ऑब्जेक्ट जो है एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है इन ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम बेटा, इसको आप बोल देते हो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन.
अब बेटे यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात आ जाती है और भी, कि आपके जितने भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशंस हैं ये पीरियोडिक होते हैं सारे के सारे, बट जरूरी नहीं है कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो। कई बार आपको ये पूछा भी जाता है कि हाउ यू कैन से दैट कि ऑल द ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट ऑल द पीरियोडिक मोशंस मे नॉट बी ऑसिलेटरी। सो आइए बेटे देखें इसको एक बार फिर से, दैट हाउ वी कैन से दैट ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक but all the periodic motions may not be oscillatory। क्या मीनिंग है बेटे इस स्टेटमेंट का? जब आप बेटे ये कोई मीन पोजीशन इमेजिन कर लेते हो, मीन पोजीशन के राउंड अबाउट आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है उसका, तो वो डेफिनेटली बेटे पीरियोडिक हो गया। लेकिन अगर आप किसी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल ले लें, अर्थ है, इमेजिन कर लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ जो है ये बेटे सन के राउंड अबाउट जो है इस ऑर्बिटल पाथ में इमेजिन कर लीजिए ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और इस पर्टिकुलर वे में इसको 365.25 डेज का टाइम जो है ये लग जाता है। तो बिकॉज ये बेटे मीन पोजीशन के राउंड अबाउट टू एंड प्रो टाइप ऑफ मोशन नहीं है, सो आप इस पीरियोडिक मोशन को कह देते हैं कि ये सिर्फ पीरियोडिक ही है, ये जरूरी नहीं है कि ये ऑसिलेटरी हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक सिंपल पेंडुलम इमेजिन कर लीजिएगा, आपने सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में ऑलरेडी कर रखा है, दिस इज द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम बेटा, आपने बॉब को डिस्प्लेस किया मेन पोजीशन से, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो बॉब है, जो आपका सिंपल पेंडुलम है, इस तरीके का मोशन शो करता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, देन बैक टू द मीन पोजीशन, देन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, देन बैक टू द मीन पोजीशन। तो बेटे ये वाला जो मोशन आपका बन गया है, बिकॉज इसमें एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये बेटे पीरियोडिक तो है ही है। सेकेंडली बिकॉज ये मीन पोजिशन के राउंड अबाउट मोशन है, इट इज बेटे यूर ऑसिलेटरी। सो इसका मीनिंग डियर चिल्ड्रन ये हुआ कि सारे ही ऑसिलेटरी मोशन ये पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे पीरियोडिक मोशन भी ऑसिलेटरी होंगे बेटा। सो ये इन दोनों में जो आपका माइन्यूट सा फर्क है, इस फर्क को अपने माइंड में जरूर रखिएगा, और अकॉर्डिंगली अगर आपसे कोई बात पूछी जाती है तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट इन दैट कैपेसिटी। आइए डियर चिल्ड्रन आगे चलें, छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इनके एसआई सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट्स वगैरह क्या है, इनके बारे में बेटे वन बाई वन बात करें। लेट अस फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अवर बेटे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को जनरली कैपिटल टी से बेटे आप डिनोट करते हो, और ये एसआई यूनिट्स में आप सेकंड्स में इसको मेजर करते हैं। अगर आप टाइम पीरियड को डिफाइन करना चाहें तो यू विल सिंपली से दैट कि कोई भी वन कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए या कोई भी वन कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है, दैट वी कॉल एज बिटे टाइम पीरियड। लेट मी ड्रॉ ए सिंपल डायग्राम। ये आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से आपका कोई ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक चला गया,
देन इट इज कमिंग बैक टू द मेन पोजिशन, इसके पास बिकॉज इनर्शिया भी है, इट विल ओवरशूट द मेन पोजिशन एंड देन इट विल बी अगेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजिशन। सो ये आपका मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक, देन बैक टू द मेन पोजिशन, देन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन, देन बैक टू द मेन पोजिशन, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। सो मीन से एक्सट्रीम पोजिशन नंबर वन पर, फिर सेकेंड एक्सट्रीम पोजिशन पर, अगेन बैक अप टू द मेन पोजिशन, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। सो डियर चिल्ड्रन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, इट्स टाइम पीरियड। तो डियर चिल्ड्रन, जैसे आपने कहा ही है, आप इसको कैपिटल टी से डिनोट कर लोगे, और अगर आपको बेटे मेजरमेंट करना पड़ जाए कहीं, तो आप इसको सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं। इसके बाद बेटे टाइम पीरियड के बाद आपके पास टर्म आ जाती है फ्रीक्वेंसी। आइए फ्रीक्वेंसी जो हमारा टर्म है इसको भी थोड़ा डिफाइन करके देखें। फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से डिनोट करते हो और इसको हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, ये इसका एसआई सिस्टम में बेटे यूनिट है। फ्रीक्वेंसी को कई बुक्स एन से डिनोट करती हैं, कई बुक्स पर बेटे स्मॉल एफ से भी डिनोट किया होता है। हम बेटे स्मॉल एफ से बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज दैट वी विल रिजर्व फॉर योर फोकल लेंथ। जब भी आप मिरर या लेंस की फोकल लेंथ के साथ डील करोगे, तब हम फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ यूज करेंगे, हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप जब मैथमेटिक्स में, छोटा मोटा मैथमेटिक्स आप जब करते हो, उसमें आप नंबर्स की बात करते हो, मे बी नेचुरल नंबर्स हैं, मे बी कोई और नंबर हो, वहां पे आप एन यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो हम एन भी यूज नहीं करेंगे। तो हम बेटे इसका जो बिल्कुल स्टैंडर्ड इसको नोटेट करते ही हैं न्यू से, वी विल स्टिक टू दिस नोशन ओनली, ना हम एफ यूज करेंगे ना न्यू यूर एन यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड आपने डिफाइन किया, आपने कहा कि एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम टेकन है दैट इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब अगर हम कहें कि हमारा ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है, देन 10 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और आप सिंपली ऐसे कह लीजिए इसको डिफाइन करके टाइम, दैट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आपने ऑलरेडी न्यू से डिनोट करना लिख दिया है, यूनिट्स इसके लिख दिए हैं। सो यू कैन से दैट बेटा, इफ न्यू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर कंप्लीटेड इन टाइम इक्वल टू वन सेकेंड, देन वन वाइब्रेशन दैट इज कंप्लीटेड बाई वन बाई न्यू सेकेंड्स। फिर से ध्यान दीजिएगा, 10 वाइब्रेशंस कह लीजिए, यहाँ एग्जांपल जैसे आपको दिया था, एक सेकंड्स में कंप्लीट हुई है, और एक वाइब्रेशन 1 बाई न्यू सेकंड्स में कंप्लीट होगी। ये जो टाइम आपका बच्चों 1 वाइब्रेशन के लिए होता है, इसको आप टाइम पीरियड कह देते हैं। सो आपका टाइम पीरियड डियर स्टूडेंट्स 1 बाई न्यू के बराबर हुआ जी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो ये न्यू और टी है, आप इनको कुछ इस तरीके से 1 के बराबर भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे पर इनवर्सली डिपेंडेंट होते हैं,
टाइम पीरियड आपकी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। और अगर आपको एक चीज पता है आप दूसरी इस रिलेशनशिप से बच्चों निकाल सकती हो। तो ये दो छोटी छोटी टर्म्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, आप इनको इस तरीके से बेटे स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है रादर कि किसी भी पार्टिकल ने जब सिंपल यूर आपका मोशन में भी ये आपका ऑसिलेटरी हो या वाइब्रेटरी हो ये एग्जीक्यूट किया हुआ है तो वहां पे एक टर्म बार बार हमें बेटा देखने को मिलती है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। आइए जरा इनके बारे में भी बेटे ब्रीफली बात करके देखें दैट ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन में आप डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड जो ये दो टर्म्स हैं इनसे आप क्या समझते हो कि ये है क्या। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दीज टू इंपॉर्टेंट बट वेरी 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 स्मॉल टर्म्स। आइए कंसंट्रेट करें बेटे वंस अगेन अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल यूर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड देन बेटा एम्पलीट्यूड की भी बात करेंगे। एम्पलीट्यूड इमेजिन करिए मैं सिंपल बेटा ये किसी मीन पोजीशन की बात कर लेता हूं। मीन पोजीशन से आपने अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स लगा दी आपने, ये मूव करता करता एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, फिर ये वापस आ गया और वापस आकर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया, अगेन इट इज कमिंग बैक। तो इसको आप बोल देते हैं वाइब्रेशन, रादर वन वाइब्रेशन। एक और एग्जांपल यहीं पे आपको मैं सुजेस्ट करता हूँ। इमेजिन करिए आपके पास ये सिंपल पेंडुलम का केस है, दिस इज द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, आपने इसको हाथ से पकड़कर एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए, देन आपने इसको रिलीज कर दिया और आपका जो बॉब है बेटा ये इस तरीके से बेटा मूव करने लग गया, दिस इस तरीके से। अब हम बेटे जब बॉब को इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको पकड़ा आपने और यहां तक आप ले गए फिर छोड़ दिया, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका बॉब मेन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है दैट वी जनरली कॉल एज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस स्पेशली। ऐसे ही यहां पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके पार्टिकल की मेन पोजीशन से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है दैट इज कॉल्ड बेटे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये बेटे मत समझिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ए सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस बेटा, ये आपको वेरिएशन इन द क्वांटिटी जो है उसके बारे में बताता है, जिस भी पर्टिकुलर वे में जिस भी पर्टिकुलर मीडियम में रादर आप डील कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आप ध्यान दीजिएगा, प्रेशर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं या प्रेशर वेव्स ही कह लो, तो प्रेशर की वेरिएशन जो है जब प्रेशर वेरी करेगा दैट विल आल्सो बी काउंटेड इक्विवेलेंट टू द डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आप डिस्टेंस को ही बोलें, अगर आप किसी और तरीके की कोई वेव इमेजिन कर रहे हो मे बी साउंड वेव ही है, वहां पर कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन जो है वो ट्रेवल करती हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, रेरिफेक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो जब प्रेशर की वेरिएशन होगी दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एंगुलर टर्म्स में बात कर रहे हैं दैट विल आल्सो बी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी की कुछ रिजेम्बलेंस जो है वो देता है। सो अदरवाइज इसको डिफाइन करना पड़े अगर हमें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वी कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम
फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. राइट बेटे. एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड कह देते हैं. ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का टर्म था बेटा. एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करोगे? एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से आप जनरली इसको डिनोट करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये आपका मीन पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एम्पलीट्यूड ये. और अगर आप इस इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर का. सो ये इन दोनों में फर्क है. ऐसे ही ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया. अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर इसकी पोजीशन देखना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर, देन दिस विल बी काउंटेड एज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. इनको दोनों को ही आप सेंटीमीटर्स या मीटर्स वगैरह में मेजर करते हो. मीटर बड़ा यूनिट हो जाता है, तो जनरली बेटे हम इसको सेंटीमीटर्स में ही यूज किया करते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन यूर बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड यू कैन डिफाइन यूर एम्पलीट्यूड ओवर हियर बेटा. इसके बाद बिफोर वी प्रोसीड फर्दर बेटा, अंजलि, इश्नूर, जैकलीन, जप्पन, प्रीत, मिताली, राघव, रमन, सहज, देवनूर, गुरसिमरन और हरमन, देन अर्शप्रीत कौर, नमन, प्रीत सिंह, प्रभदीप कौर. डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई इनमें दिक्कत वाली बात लगे तो यू आर मोस्ट वेलकम. आई कैन रिपीट दैट. ओके बेटा. वैसे तो चलिए ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, आपने किसी ना किसी फॉर्म में लोअर क्लासेस में ये थोड़े थोड़े डिस्कस कर रखे हैं, बट दीज आर गोइंग टू फॉर्म द बेसिस फॉर अवर फर्दर हायर स्टडी. तो इनको बड़े ही माइन्यूटली एक बार फिर से आपने पढ़ना है. बिल्कुल नहीं ऐसे सोचना कि आपने कोई बात नहीं जी पहले किया ही हुआ है, इसमें तो है ही कुछ नहीं. ऐसा नहीं सोचना आपने. जो भी है, कुछ भी नहीं है चाहे, फिर भी एक को इनको 5-10 मिनट अपनी बुक पकड़िए और थॉरोली इनको पढ़िए. यू विल फाइंड समथिंग न्यू बेटा. आइए आगे चले बेटा. पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस, डियर चिल्ड्रन, जैसे नाम से थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है, वो फंक्शन जिसका कोई पीरियड हो या वो फंक्शंस जो बेटे किसी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते जाएं, या आप ऐसे कह लीजिए कि वो मैथमेटिकल फंक्शंस जो आपके पीरियोडिक मोशन जो ऑब्जेक्ट पोजेस कर रहे हैं उस पीरियोडिक मोशन को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले फंक्शंस जो हैं, इनको हम बच्चों पीरियोडिक फंक्शंस कहेंगे. फिर से पुत्र ध्यान दीजिएगा, हमने बातें बहुत कर ली हैं. पीरियोडिक भी कर लिया जी, ऑसिलेटरी भी कर लिया जी, वाइब्रेटरी भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी कर लिया, टाइम पीरियड कर लिया. अब इन चीजों को इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स लिखेंगे कैसे? कैसे हमने शो करना है इनको मैथमेटिकल फॉर्म में? इनकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बेटे बात करके देखेंगे. सो पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? द मैथमेटिकल फंक्शंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस. बेटा ये आपके साइन और कोसाइन फंक्शंस दोनों ही
पीटी पीरियोडिक फंक्शंस हैं, साइन फंक्शंस और कोसाइन फंक्शंस, ये दोनों ही पीरियोडिक हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास मान लो एफ इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, ध्यान दीजिएगा पुत्र जी, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इस टी का मतलब है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओमेगा इट इज वेल नोन टू यू टू बी इक्वल टू टू पाई बाई टी, यहां पुट किया जा सकता है। एफ ऑफ स्मॉल टी जो है दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ टू पाई बाई टी इन टू टी। बेटा बच्चों, लेट अस से दैट इट इज इक्वेशन नंबर वन। इसको मैं एफ ऑफ टी प्लस टी पे इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, इट विल बी साइन ऑफ टू पाई बाई टी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी करना पड़ेगा हमें। बच्चों आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि कैसे हम इसको पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हैं, हम किस बेसिस पे इसको पीरियोडिक फंक्शन कह रहे हैं रादर। तो आपके पास एफ ऑफ टी प्लस टी, डियर चिल्ड्रन इज टू पाई बाई टी को अंदर ले जाइए ब्रैकेट के, यू विल गेट साइन ऑफ टू पाई बाई टी इन टू स्मॉल टी प्लस दिस इज टू पाई बाई टी इन टू टी, ये टी गेटिंग कैंसल्ड। आपके पास बचा एफ ऑफ टी प्लस टी, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ टू पाई बाई टी इन टू, ये आपके पास बेटे जो है बच गया जी पी प्लस टू पाई, ये बच गया जी, आपने कहीं लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है साइन ऑफ टू पाई प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। सो दैट विल मीन दैट कि हमारा यहाँ पे जो ये एफ ऑफ टी प्लस टी है, इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ टू पाई बाई टी इन टू टी और दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ टी। तो आपका वही फंक्शन आपको टी टाइम इंटरवल के बाद फिर से मिल गया। सो बिकॉज आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एफ ऑफ टी प्लस टू टी दिस इज इक्वल टू एफ टी, एफ ऑफ टी प्लस थ्री टी दिस इज इक्वल टू एफ टी, दैट्स व्हाई दीज आर काउंटेड एज पीरियोडिक फंक्शंस। सो विद दिस थैंक यू ऑल, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।